आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज़। यार आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। भुसावल शहर के ताप्ती पब्लिक स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र प्रथमेश सिंह शमशेर सिंह ठाकुर ने नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल ईके नेपाल एथलेटिक्स मैदान 2022 ये प्रतियोगिता में 15.36 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। दिलचस्प बात यह रही कि प्रथमेश नासिक डिवीजन के एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। 1 से 5 अगस्त के बीच हुई इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2 अगस्त को उनका चयन हुआ था और उनकी ट्रेनर ममता जांगीर ने उनका मार्गदर्शन किया था। रविवार को जब प्रथमेश अपने पिता शमशेर सिंह उर्फ बाबुल ठाकुर के साथ भुसावल जंक्शन पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए शुभचिंतक रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़े और प्रथमेश को कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के लिए उनकी व्यापक रूप से सराहना की। और ट्रेनर ममता ने हमें बताया कि प्रथमेश रोज अपनी प्रैक्टिस बड़े ही दिल से करता है और आज उसने अपने माता पिता के साथ अपने शहर का नाम रोशन किया। आइए जानते हैं कि प्रथमेश की ट्रेनर व प्रथमेश ने नई पीढ़ी से क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम न्यूज़ लाइव और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है भुसावल शहर के एक हीरो की तरह, जो है हम कहेंगे हीरो तो हम सिर्फ पिक्चरों में देखते हैं लेकिन रियल लाइफ में जो है एक हीरो हमारे साथ में मौजूद है जिन्होंने नेपाल में जाकर रनिंग के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट लाया है अपने शहर व अपने ज़िले के लिए। आइए हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि यह मैच कहाँ पर हुआ, कैसा हुआ और क्या था इसके अंदर। मैडम जो है क्या जानकारी देंगे आप जो है मैच करा हुआ? ये जो इंडो पब्लिक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक पूरा फैला हुआ है, ओपन फेडरेशन है ये, इसमें कुछ कॉम्पिटिशन्स लिए जाते हैं जो बच्चे लोग कुछ लेवल तक कुछ कॉम्पिटिशन से ना गवर्नमेंट पहुँचने नहीं देती है। वो ऐसा फेडरेशन है कि उसमें जो प्लेयर आगे भेज सके और कुछ कर सके, इसके लिए ऐसा एक फेडरेशन है जिसका नाम है इंडियन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ये इसका जो मेन सेंटर है वो है दिल्ली में। नेक्स्ट इसका पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र में इसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे एसोसिएशंस वगैरह है। तो ऐसा है सर कि यहाँ पे एक मेरा जो स्टूडेंट्स है प्रथमेश ठाकुर, ये वहाँ पे 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक खेलने गया था। वो जो मैचेस थी नेपाल के पोखरा वहाँ पे हुई थी, उसमें एथलेटिक्स में इसने 100 मीटर में 15.36 सेकेंड करके टाइमिंग दिया था। तो मेरे हिसाब से पूरा नासिक डिस्ट्रिक्ट का ये पहला सबसे कम उम्र का बच्चा है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके गोल्ड मेडल लिया है, तो एक बहुत प्राउड की बात है हमारे भुसावल एक छोटे से टाउन के लिए कि इतने छोटी सी जगह से और कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होने के बावजूद भी इसने बहुत मेहनत किया है वो चीज़ के लिए और वो वहाँ तक जाके उसने गोल्ड मेडल लिया, वो भी अपने इंडिया के लिए। इसके अलावा जो है भुसावल शहर से या जलगांव डिस्ट्रिक्ट से कोई स्टूडेंट वहाँ पर गया हुआ था? नहीं सर, कभी भी नहीं गया है। एटलीस्ट मेरी भी बात की जाए तो मैं 17 ईयर से एथलेटिक्स खेल रही हूँ, मैंने ऑल इंडिया खेला है बट इंटरनेशनल लेवल पर डायरेक्टली इंडिया फेडरेशन नहीं खेला है। तो ये मेरे लिए तो बहुत अचीवमेंट की बात है कि मैं नहीं खेल सकी तो ये इसने मेरे लिए इसके पेरेंट्स के लिए वो इंडिया लेवल खेल के गोल्ड मेडल लेके आया है। आपका जो स्टूडेंट है आपकी प्रैक्टिस कहाँ पर होती है और रोज की तरह जो आप कितनी प्रैक्टिस करवाते हो बच्चे? हम लोगों को तो कुछ करना है, एक जज्बा है दिल में तो हमको कुछ करना है, तो जहाँ पर भी हम लोग को लगे कि यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं तो वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका जो स्टूडेंट है प्रथमेश ठाकुर, ये रोज में रोज जो है कितने वर्ष के लिए जो है प्रैक्टिस करता है रनिंग की? सर इसका अभी कॉम्पिटिशन फेज में कम से कम 2 से 2.5 घंटा ट्रेनिंग होता था कॉम्पिटिशन फेज में। जब कॉम्पिटिशन नहीं होता है और इसका स्कूल्स वगैरह सब चीज़ें मैनेज करके अगर बोला जाए तो मैक्सिमम 3.5 आवर वो ट्रेनिंग करता था। तो पहले मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम होती थी ट्रेनिंग जब ऑफ सीजन चल रहा था तब, बट अभी कंपटीशन फेज में इवनिंग में 2.5 घंटा करता है। अभी देखा जाता है मैडम के जो है इस वक्त की जो जनरेशन है ज़्यादा जो है मोबाइल में ही ज़्यादातर गेम खेलती है और मोबाइल में ही रहती है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे मोबाइल से ज़्यादा दूर रहकर जो है अपने स्वास्थ्य के लिए भी कुछ करें, अपने परिवार के लिए और अपने शहर के लिए कुछ करें? देखिए सर, जैसे आपने बोला मोबाइल का तो एकदम बहुत अच्छी बात बोली क्योंकि इसके जनरेशन के बच्चे हैं ना वो दिन भर मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बट मैं बहुत गर्व से बोलना चाहती हूँ कि
प्रथमेश ऐसा बच्चा है कि उसका टाइमिंग शेड्यूल वाइज ही चलता है पूरा, इसका मॉर्निंग से लेके ट्रेनिंग तक और सोने तक पूरा उसका शेड्यूल वाइज ही चलता है। उसका खेलने का टाइम भी फिक्स होता है कि बच्चे अगर बोर हो जाए तो इसका खेलने का टाइम भी प्रैक्टिस में ही जाता है और वो बहुत इंटरेस्ट से आता है। उसके मतलब बाकी बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, ये बहुत एक्टिव है पर उसका एक्टिवनेस जो है ना वो ट्रेनिंग में वेस्ट करता है, अदर चीज़ों में नहीं होता है। प्लस एक इसकी बहुत बढ़िया बात मुझे हमेशा लगती है कि ये कभी ऐसे नहीं बोलता है मुझे कि मैम मैं थक गया। इसको कभी भी पूछा जाए बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। तो एक इसके लिए इसके जनरेशन के बच्चों को मैं एक बोलना चाहती हूँ कि अगर हमको हमारी लाइफ में कुछ बनना है कुछ करना है तो उसमें एज मैटर नहीं करता है, बस हमारे माइंड में एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि हमें वो लेवल तक पहुँचना है और अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छे लेवल पर जाके उनका नाम रोशन करना है। तो एक ये संदेश देना चाहती हूँ मैं पूरे भुसावल वासियों को कि अगर कभी भी अगर ऐसे लगे तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ, अगर कभी लगे कि मैं थक गया हूँ या मैं टायर्ड हो गया तो एक बार प्रथमेश ठाकुर को याद कर लेना, तो आप लोगों को ये मोटिवेशन मिल जाएगा कि वो 8 साल का बच्चा अगर ये बोल सकता है कि मैं नहीं थका हूँ, पूरा दिन भर स्कूल ट्यूशन सारी चीज़ें मैनेज करके अगर ये बोल सकता है तो हम तो इतने बड़े मैच्योर है तो हम लोग क्यों नहीं बोल सकते कि मैं नहीं थका हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो एक मैं संदेश देना चाहती हूँ। इसी के साथ में हमारे साथ में मौजूद है प्रथमेश ठाकुर। प्रथमेश जी जो है आपने भुसावल शहर के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाया है, क्या संदेश देंगे आप नई पीढ़ी को? आप किस तरह जो है प्रैक्टिस रोज के करते हैं, आपको किसका सपोर्ट रहता है? मेरे पापा मुझे रोज ग्राउंड पे लाते हैं और मैं रोज मेहनत करता हूँ, मेरी ममता दीदी मुझे रोज प्रैक्टिस कराती है। आने वाले जो है आप वहाँ पर किस तरह आपकी जो है टफ रही, किसको आपने हराया था वहाँ पर, कौन सी टीम को हराया था? नेपाल को हराया था। पता चला है कि आपको जो है प्रथमेश ठाकुर के अलावा अदर नाम से भी जो है आप भुसावल शहर में जाने जाते हैं, क्या नाम से आप जाने जाते हैं? साई ठाकुर। आपका जो है नेपाल के अंदर जो है एक प्रैक्टिस मैच हुआ है, रनिंग के अंदर आपने भुसावल शहर के लिए गोल्ड मेडल लाया, किस तरह आपका वो सफर रहा और आप वहाँ पर गोल्ड मेडल कैसे जीत पाए वहाँ पर? आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहने वाले मुस्कान अस्पताल के डॉक्टर तौसीफ खान BAMS DCH और डॉक्टर अर्शीन BUMS ने आपकी सेवा के लिए लाल बिल्डिंग चौक बजाज बिल्डिंग रोड स्थित में मुस्कान डे केयर अस्पताल शुरू किया है, जिसमें आपके बच्चों का डॉक्टर तौसीफ चेकअप करेंगे और महिलाओं के लिए डॉक्टर अर्शीन चेकअप करेंगी। वह रोज की तरह सनराइज अपार्टमेंट गडकरी नगर में स्थित मुस्कान चिल्ड्रन अस्पताल में आपके लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो पता याद रखें, मुस्कान डे केयर अस्पताल लाल बिल्डिंग चौक बजाज बिल्डिंग रोड भुसावल व मुस्कान चिल्ड्रंस अस्पताल सनराइज अपार्टमेंट गडकरी नगर भुसावल। वी ऑल आर द ट्रेंडसेटर्स इन एजुकेशन, वी आर नाउ इन भुसावल। भुसावल शहर में महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित हजन शकीला बी अब्दुल वहीद देश पांडे जूनियर कॉलेज भुसावल में नीट JEE सिविल सर्विसेज एंड MHCET के साथ 11वीं 12वीं कक्षा में आर्ट्स उर्दू मीडियम और साइंस और कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में एडमिशन शुरू। कॉलेज का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस हिना पार्क ग्रीन पार्क के करीब विवेकानंद स्कूल के पीछे भुसावल, पिन कोड नंबर 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9890239301, 9271392591, 9156969786, email ID bspatel educational campus@gmail.com, website bspatel educational campus.com। We are the trendsetters in education. We are now in Bhusawal. आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था पलशी वैद्य द्वारा संचालित मरहुमा हजन शकीला बी अब्दुल वहीद देशपांडे कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही नवी 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा की विशेष बैच के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट JEE सिविल सर्विसेज एंड MHCET। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस हिना पार्क ग्रीन पार्क के करीब विवेकानंद स्कूल के पीछे भुसावल, पिन कोड 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271392।
2591-9156-969-786. ईमेल आईडी bspatel educational campus@gmail.com. वेबसाइट bspatel educational campus.com.